हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है साहिल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी बुली डॉग के बारे में। क्या एक फर्स्ट टाइम ओनर जो कि एक पहली बार डॉग लेने जा रहा है, क्या वो एक पाकिस्तानी बुली को ले सकता है, क्या पाकिस्तानी बुली उसके लिए एक परफेक्ट चॉइस है या नहीं, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में सारी जानकारी देंगे आपको। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि क्या एक पाकिस्तानी बुली फर्स्ट टाइम ओनर के लिए एक परफेक्ट चॉइस है या फिर नहीं। तो आप इसको जानने के लिए लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि लोग पाकिस्तानी बुली लेना क्यों चाहते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, चाहे मैं हूँ या फिर और कोई भी भाई है, तो वो डॉग खरीदते समय ये देखते हैं कि हमारा डॉग जो है वो दिखने में लंबा चौड़ा दिखे, एकदम हैवी दिखे, ह्यूज टाइप का दिखे, ताकि हमारा थोड़ा जो हमारे आसपास का एरिया है उसमें थोड़ा डर रहे कि उनके घर पे एक ऐसा डॉग है जो बहुत डेंजरस है। आप कह सकते हैं एक टाइप से हमारा टोरा बने, इसीलिए लोग थोड़ी ख़तरनाक ब्रीड जो कि होती हैं जैसे पिटबुल, पाकिस्तानी बुली, इस टाइप की ब्रीड्स को ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो एक ब्यूटीफुल डॉग लेना पसंद करते हैं जो कि एक फैमिली के लिए भी अच्छा होता है, वरना ज़्यादातर लोग जो अग्रेसिव ब्रीड्स बोल सकते हैं आप या फिर थोड़ी जो हैवी ब्रीड्स होती है जिनको देखकर लोग ये सोच में पड़ जाए कि ये बहुत ही डेंजरस ब्रीड है, ऐसी ब्रीड्स को लेना पसंद करते हैं, जैसे पाकिस्तानी बुली हो गया हमारा, पिटबुल हो गया हमारा, और रोटवाइलर हो गया, ऐसी ब्रीड्स को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तानी बुली को ब्रीड किया क्यों गया था, ये हमारी जो फाइट्स होती हैं इलीगल, इनके लिए इसको ब्रीड किया गया था। ये पंजाब साइड में हो गया, इस साइड में पाकिस्तान में, यहाँ पर अलग अलग एरियाज में इसकी फ़ाइट होती थी इलीगल, और उसी के चलते इसका आज जो साइज़ है वो बहुत बड़ा हो गया और आज ये इतना डेवलप हो गया है। तो आज के टाइम में लोगों को ये बहुत पसंद आ रहा है, इसीलिए लोग इसको लेना चाहते हैं ताकि मतलब टोरा बने। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारा मेन टॉपिक, क्या ये फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए है या फिर नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए नहीं है बिल्कुल भी। और अगर हम बात करें जो हमारा घर का साइज है, अगर किसी का छोटा घर है तो चाहे वो फर्स्ट टाइम ओनर है या फिर सेकंड टाइम या फिर उसने पहले 3-4 बार डॉग्स पाल रखे हैं, तो उसके लिए ब्रीड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो ब्रीड है वो बहुत बड़ी होती है, ह्यूज होती है, तो छोटे घर में ये बिल्कुल भी सेट नहीं हो सकती है। फ्रेंड्स, ये अग्रेसिव हो जाएगी तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट के बारे में, सेकंड पॉइंट है क्या मिडिल क्लास जो फैमिलीज होती है इसको अपॉइंट कर सक इसको मतलब वो कर सकती है मेंटेन, तो इसमें भी हमारा जो है वो है नहीं, इसको मिडिल क्लास फैमिलीज मेंटेन नहीं कर सकती। क्योंकि अगर आप एक ऐसे लेकर चलिए कि आपका एक घर है और उसमें एक कमरा है, तो उसी में आप भी बैठे हैं और आपका डॉग भी बैठा है जो कि इतना बड़ा है, तो उसमें आपको भी दिक्कत और डॉग को भी दिक्कत, और डॉग को इससे कई दिक्कत भी हो जाती है कि एक ही कमरे में ऐसे मतलब वो थोड़ा नहीं जा पाता। आपको जहाँ भी देखते हैं आप पाकिस्तानी बुली डॉग, थोड़े जो बड़ा एरियाज होते हैं जैसे फार्म वगैरह हो गए, खेत वगैरह होते हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, वैसे छोटे घरों में आपको देखने के लिए बहुत कम मिलता है। थर्ड पॉइंट हमारा डाइट के बारे में, वैसे अगर आप देख के चलिए कोई भी एक नॉर्मल बंदा और एक जो फाइटर है, वो जो मतलब फाइटर लगा लीजिए, रेसलर लगा लीजिए, रेसलर की डाइट जो होती है वो उससे नॉर्मल बंदे से ज़्यादा होती है, वैसे ये डॉग है, ये और डॉग से बड़ा है, तो इसकी डाइट भी ज़्यादा होगी और इसको फीड वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये फाइनेंशियली भी बहुत महंगा पड़ेगा मिडिल क्लास फैमिलीज़ को। तो यही हमारी आज की वीडियो थी कि ये आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर जो कि फाइनेंशियली सही है, जिनका घर बड़ा है तो वो इसे ले सकते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं और जो मतलब उनका मतलब छोटा घर है और वो इसका खर्चा नहीं उठा सकते, फाइनेंशियली नहीं इसको टेक केयर कर सकते, तो ये ब्रीड उनके लिए नहीं है। फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।